जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्धसावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक सम्मोहन प्रयोग लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और तीव्र प्रभावशाली, जिसको कहते हैं वो प्रयोग है। ये भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे संदीपन, उनका जो प्रणीत प्रयोग है ये, और बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से इसमें आपको लाभ होगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के काम नहीं बनते हैं, वो कहीं पर भी जाएं उनको लोग नकार देते हैं। मतलब कि उनके काम नहीं होते जल्दी से, जैसे ही वो जाएंगे नानुकर हो जाएगी, या फिर कोई उनका काम बनेगा नहीं, लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मतलब कि कहने का ये कि कुछ उनकी ना हाव भाव, कुछ चेहरे का, कुछ उनके ऊपर जो तेज होता है वो इस तरह का होता है कि कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल पाता है, वो तेज हीन चेहरा होता है। तो ऐसे व्यक्ति इस साधना को करें, उनको बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से लाभ होगा। और मेरे विचार से जो व्यापार करते हैं, जो दुकान करते हैं, मतलब कि जो व्यापारी लोग हैं, अगर वो इस साधना को करें तो उनको वास्तविकता में बहुत ही अप्रत्याशित लाभ होगा। और ये प्रयोग सम्मोहन प्रयोग की श्रेणी में आता है, सम्मोहन, ठीक है। और इस प्रयोग को बताने से पहले मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि भाई क्या मैंने बताया है, और मुझसे आप कमेंट में पूछते रहोगे। तो इस प्रयोग में आपको केवल दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, सम्मोहन यंत्र की और सम्मोहन माला की। देखिए, यंत्र जो होगा आपका एक ताबीज के आकार का होगा, जो सम्मोहन यंत्र होगा वो एक ताबीज के आकार का होगा, और माला आपकी सम्मोहन जो वो होगी, ये दोनों ही जो सामग्री होंगी ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर ये प्रयोग करने के लिए आपको अगर सामग्री की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ये सामग्री दोनों प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। उनकी जो भी राशि होगी वो आपको देनी होगी। और ये यंत्र और माला दोनों प्राण प्रतिष्ठित होंगी, तभी आपको लाभ भी होगा। एक तरह से आप देखिए कि वास्तव में ये प्रयोग इतना तीव्र है कि आप ज़्यादा नहीं, 10-11 दिन के अंदर ही आप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आप देख सकते हैं, इतना तीव्र प्रयोग है ये। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जो मेरे व्यूवर हैं वो ऑर्डर करते समय मुझसे घबराते हैं कि कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए, कहीं हम पैसा भी दे दें और हमें सामग्री ना मिल पाए। तो मैं उनके लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आप मुझसे जो भी सामग्री लेंगे, जो भी मुझे ऑर्डर करेंगे, वो सामग्री आपके पते पर अवश्य पहुँचेगी, वो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। मेरे पास में ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा भी ले लूँ और आपको सामग्री भी ना दूँ। आप भले ही आप कितनी जगह भी धोखा खा करके आए हों, देखिए मैं दूसरों के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ। और जो लोग मुझसे ले रहे हैं और जिनको सामग्री प्राप्त हो चुकी है, वो लोग ही आपको बता देंगे कि वास्तव में मेरे पास से आपको एक नंबर का काम होता है या फिर आपको झूठ और फरेब का काम होता है, वो खुद ही आपको बता देंगे। मेरे पास में झूठ और फरेब का काम नहीं होता। क्या ठीक है, जो आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है। मुझे आप ऑर्डर करेंगे, मैं आपको सामग्री प्रोवाइड करवा दूंगा।
अब मैं आपको साधना में आपको बता देता हूँ कि साधना आपको किस तरह से करनी है। देखिए ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार के दिन से रात्रि को 10 बजे के बाद बिल्कुल एकदम साफ रंग के सफ़ेद रंग के कपड़े आपको पहनने हैं, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र पहनकर। और आपका जो आसन होगा वो पीले रंग का होगा, ठीक है, पीले रंग के आसन। और अगर आप पीले रंग के वस्त्र भी पहन लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, फिर तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। मतलब कि पीले रंग के वस्त्र और पीले रंग का ही आसन। उसके बाद आपको क्या करना है, सामने एक चौकी ले लें और उस चौकी पर भी आपको पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है, और उस पर जो है आपको एक कांसे की थाली, कांसा होता है, कांसे की छोटी सी प्लेट ले लें और उस पर आपको यंत्र को स्थापित करना है। कांसे की प्लेट पर आपको यंत्र स्थापित कर देना है, जो सम्मोहन यंत्र है, जो कि एक ताबीज के आकार का होगा, जिसको आप बाद में अपने गले में धारण करेंगे, ठीक है। उसको उस पर स्थापित करके तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने गुरु का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन कर लें। और पंचोपचार पूजन करने के बाद एक माला गुरु मंत्र का आप जाप कर लें, ज़्यादा नहीं, एक माला का कर लो, बहुत है। और जिनके गुरु नहीं हैं वो शिव को गुरु मान करके और एक माला शिव के मंत्र का जाप कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको कुमकुम से और अक्षत यानी चावल और कुछ पुष्प ले लें, उनसे यंत्र का पूजन करना है, जो सम्मोहन यंत्र है उसका पूजन करना है आपको। और उस पूजन करने के बाद जो आपकी सम्मोहन माला, मैंने जाप के लिए जो आपकी सम्मोहन माला है उससे 11 माला मंत्र का आप जाप करेंगे, ठीक है, 11 माला आपको जाप करना है। और मंत्र मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा, वहां से आप मंत्र को नोट कर लेना। वैसे भी मैं आपको एक बार बोल करके भी मैं आपको बता देता हूँ, ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तनश्चक्र है प्रचोदया, ठीक है। इसका 11 माला आपको जाप करना है और शांत होकर के, एकाग्रचित होकर के, रात्रि में 10 बजे के बाद ये प्रयोग करना है। तो ये प्रयोग इतना तीव्र है, इतना तीव्र है कि आप, मतलब ज़्यादा नहीं, आप चौथे पांचवें दिन से ही आपको ये प्रयोग कम से कम आपको मतलब 11 दिन करना है, 11 दिन इस प्रयोग को करना है। और चौथे पांचवें दिन से ही आप अपने चेहरे में और लोगों के व्यवहार में आप परिवर्तन देख सकते हैं, ये इतना तीव्र प्रयोग है उनके। आप अपने चेहरे में बदलाव देखेंगे कि आपके चेहरे पर तेज आ गया है, और जो लोगों का व्यवहार है उसको भी आप अनुभव करेंगे, क्योंकि लोगों का व्यवहार भी चेंज हो रहा है आपके प्रति। और उसके बाद आपको क्या करना है, 11 माला, 11 दिन तक आपको 11 माला का जाप करना है लगातार। और जब 11 दिन आपके पूरे हो जाएं तो वो जो आपका सम्मोहन यंत्र है उसको पीले धागे में डाल करके और अपने गले में धारण कर लेना है, ठीक है। और आगे भी आप लगातार एक माला या 2 माला का आप जाप करते रहें तो आप देखेंगे कि आप में इतनी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी, इतनी सम्मोहन शक्ति आ जाएगी कि आपकी आवाज़ में भी आपको लगेगा कि, मतलब कि आपकी आवाज़ में भी एक आकर्षण होगा, आपकी आवाज़ जो आप करेंगे, बोलेंगे किसी से, उसमें भी एक आकर्षण होगा, उसमें भी एक सम्मोहन शक्ति होगी जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। और जो आप लोगों से मिलेंगे वो भी आपके तरफ एक झुकाव होगा उनका, आकर्षण होगा उनका, चाहे आप किसी भी व्यक्ति से बात करें। तो ये प्रयोग वास्तव में ही जो लोग व्यापारी हैं, जो कारोबार करते हैं, जिनको तरह तरह के नए नए लोगों से मिलना होता है, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है ये। वैसे तो दैनिक जीवन में सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग है, लेकिन उनके लिए कुछ ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है।
लेकिन एक चीज आपका ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु जो आप गले में धारण करते हैं उसको पहन करके सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, वहां जाने से बचें। कैसे स्थान? जैसे कि आपका शमशान हो गया या किसी की अर्थी में आप चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ये सब चीजें दूषित हो जाती हैं। तो या फिर कहीं जैसे किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी, या मौत हो जाती है कहीं पे, या शमशान घाट हो गया, तो ऐसी जगह इन तंत्र की जो वस्तुएं होती हैं जैसे ताबीज वगैरह होता है, इनको पहन करके बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहां पर जाने से इनके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, मतलब कि इनका प्रभाव कम हो जाता है, ये दूषित हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या करें, इनको उतार करके घर पे ही पूजा स्थान में रख जाएं, और जब वहां से आ जाएं तो स्नान करके और उनको दोबारा से धूप दीप दिखा करके और फिर धारण करें, ये आपको क्रिया करनी चाहिए। तो आप जैसे आपके गले में पड़ा रहेगा ये ताबीज, तो फिर आप ऐसी जगह कहीं जाएं तो इसको उतार करके जाएं। ठीक है, ये मैंने आपको प्रयोग बता दिया है। ये प्रयोग वास्तव में इतना चमत्कारी प्रयोग है कि आप इस प्रयोग को करेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में आपने कुछ प्रयोग हमें दिया है। आप ये कहेंगे कि वास्तव में ही आपने कुछ हमें प्रयोग बताया है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।